नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल हिट शॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे ये असुस के 55VD जो लैपटॉप है, ये लैपटॉप का मदरबोर्ड है और आप देख सकते हो कि मतलब आज के इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इस लैपटॉप का जो कूलिंग सिस्टम है, मतलब जो थर्मल सिस्टम जो होता है वो थर्मल सिस्टम वर्क कैसे करता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ओके। देखिए, अब ये जो है ये सीपीयू फैन है। ये क्या है? ये सीपीयू कूलिंग फैन इसे कहते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हो ये यहाँ से होके ये वाला एक ट्यूब है और ये दूसरा वाला एक ट्यूब है, लेकिन ये दोनों ट्यूब जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए गए हैं। ठीक है, और कनेक्ट करके यहाँ पे वो इंस्टॉल किए गए। ठीक है, यहाँ से ये जो कनेक्शन है, ये सीपीयू फैन का कनेक्शन दिया है मदरबोर्ड से इस सीपीयू फैन के लिए। ठीक है, अगर आपको मैं ये जो फ़ैन है इसको अगर मैं आपको नीचे से दिखाऊं यहाँ पे, तो इस तरह से इसका जो फिटिंग होता है, और आप देख सकते हो ये जो है इस फैन के जो फिन्स होती हैं, मैं आपको फिन्स थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये वाले फिन्स है और यहाँ से जो एयर है वो एयर बाहर निकलती है, लेकिन हम देखेंगे कि ये जो कूलिंग सिस्टम है ये एक्चुअली वर्क कैसी करती है। ठीक है, ये देखना आपको ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं ये जो कूलिंग सिस्टम है इसको पहले मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जब तक मैं आपको ये निकाल के नहीं दिखाता वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये तीन, ठीक है, तो ये कूलिंग सिस्टम जो है इसको समझने के लिए, इसे समझने के लिए आपको मैं ये एक बार थोड़ा सा ओपन करके इसे दिखाता हूँ मैं। देखिए, ये जो ट्यूब्स हैं ये कॉपर ट्यूब्स हैं, और कॉपर ट्यूब्स जो होती है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इस जो पाइपिंग यूज़ की गई है वो कॉपर जो मेटल है उसका यूज़ यहाँ पे किया गया है। कॉपर का जो प्रॉपर्टी होता है वो प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि जो हीट ट्रांसफ़र, मतलब जो ये हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो बहुत ही फास्टली एक जगह से दूसरे जगह पे वो करता है। मतलब यहाँ से अगर इस पॉइंट को अगर मैं हीट देता हूँ तो ये हीट डायरेक्टली यहाँ से होके यहाँ जो इसका एंड है यहाँ पे, यहाँ तक वो हीट चली जाती है। ठीक है, देखिए अभी ये मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, तो अभी मैं पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ इस ट्यूब के बारे में। देखिए, अब होता क्या है कि जैसे यहाँ पे अगर ये हीट यहाँ पे इसे मिल जाए, ठीक है, तो ये जो हीट है ये यहाँ से होके इन ट्यूब से होके इसके एंड तक आती है, और यहाँ पे ये जो है ना ये एयर कूल्ड फिन्स कहते हैं इसे। क्या है ये एयर कूल्ड यहाँ पे फिन्स होती है, जिसको मतलब ये जो ट्यूब्स है इसके अंदर से यहाँ तक गई है दोनों ट्यूब। आप देख सकते हो ये दोनों ट्यूब जो है वो यहाँ तक गई है। ठीक है, तो ये जो ट्यूब्स है, ठीक है, ये जो ट्यूब्स है ये फिन्स क्या करती है, इन ट्यूब्स को यहाँ पे कूल्ड यानी ठंडा करने के काम यहाँ पे वो करती है। ठीक है, तो जितनी भी हीट यहाँ से निकलती है वो हीट यहाँ पे यहाँ से इस फिन्स के थ्रू ये लैपटॉप के बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये जो साइकिल है, मतलब ये जो साइकिल है ये हीटिंग का, हीटिंग सर्कुलेशन का ये जो साइकिल ये चलता रहता है। ठीक है, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये हमारा ग्राफिक्स कार्ड है। ठीक है, ये ग्राफिक्स कार्ड है, जैसे एनवीडिया
या फिर ATR Radeon, और ये प्रोसेसर है, ठीक है। तो ये चिप और ये चिप, ये दोनों चिप को ठंडा करने के लिए, कूल रखने के लिए, या फिर इनका जो टेम्परेचर होता है, जो वर्किंग टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को बैलेंस रखने के लिए ये जो कूलिंग सिस्टम है, ये जो कूलिंग असेंबली है, इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ये जो चिप है, ये चिप से हीट यहाँ से होके इस ट्यूब में आती है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, इस चिप से, इस प्लेट से होके, इस कॉपर प्लेट से होके इस ट्यूब में आती है। ये ग्राफिक्स के चिप के लिए है और ये प्रोसेसर के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हीट इन ट्यूब से होके ऐसे आती है यहाँ पे, और इन फिन्स से वो बाहर निकलती है। और बाहर कैसे निकलती है, तो ये जो फ़ैन है, आप देख सकते हो, ये जो फ़ैन है, ये कूलिंग फ़ैन क्या करता है, यहाँ से जो एयर है, वो एयर यहाँ से, ठीक है, वो जो हॉट एयर जो है यहाँ से वो बाहर निकलती रहती है, ठीक है। और ये जो फ़ैन क्या करता है, फ़ैन नीचे से यहाँ से वो एयर को इन करता है, यहाँ से इन करता है और यहाँ से आउट करता है। यानी आप देख सकते हो ये ऐसे सिस्टम वर्क होता है, ठीक है, आप देख रहे हो ना। तो यहाँ से देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ से हीट ये ट्रांसफ़र होती है और यहाँ पे ये फ़ैन भी चलता रहता है, ठीक है। तो ये वाले ट्यूब ग्राफिक्स की है, ग्राफिक्स कार्ड के लिए, ग्राफिक्स कार्ड की, और ये ट्यूब जो है वो CPU की है। मतलब अभी यहाँ पे ये दोनों ट्यूब CPU प्रोसेसर के लिए यूज़ हो रही है, और दोनों ट्यूब से ये एयर जो है वो यहाँ से पास होके यहाँ से बाहर निकलती है, हॉट एयर होके, ठीक है। तभी हमारा जो, अगर प्रॉब्लम ऐसा हो जाए कि नीचे से इसका अगर सक्शन बंद हो जाए, मतलब यहाँ से इनपुट एयर इनपुट होना बंद हो जाए, या फिर हमारा फ़ैन यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो जाए, तो क्या होता है कि यहाँ से जो एयर है वो बाहर नहीं निकलता है, इस फिन से वो एयर बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो जाए कि यहाँ पे एक ऐसा एक लेयर हो जाए डस्ट का, जो कि यहाँ से देखिए, अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ये छोटा सा एक शुरू हो गया था यहाँ पे, देखिए ये डस्ट का ऐसा एक लेयर बन जाता है। तो ऐसा लेयर अगर पूरे यहाँ पे बन जाए, तो होता क्या है कि वो जो एयर है, वो एयर अंदर लैपटॉप के अंदर, क्योंकि बाहर जाने के लिए यही बस यही एक स्पेस होता है जहाँ से एयर बाहर जा सके, ठीक है। और बाकी जो एयर है, अगर यहाँ से वो बाहर आना बंद हो जाए, तो वो एयर लैपटॉप के अंदर जहाँ से उसे पॉसिबल है, वो एयर सर्कुलेट होती रहती है, और वो सर्कुलेशन क्या करता है, हमारे पूरे लैपटॉप को हीट कर देता है। और जैसा वो हीट हो जाए, तो हीट होने के बाद लैपटॉप हमें क्या करता है, मतलब वो एक तो बंद हो जाता है। मतलब देखिए, अभी होगा क्या, अगर ये एयर यहाँ से निकल के पूरे लैपटॉप में हो जाए, तो लैपटॉप में होने के बाद ये CPU जो है वो ओवरहीट होना, मतलब क्या कि लैपटॉप, ये जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर काम करता है। मतलब अगर वो 80 डिग्री पर अगर वो सेट है, तो 80 डिग्री के ऊपर उसका अगर टेम्परेचर चला जाएगा, तो आपका जो प्रोसेसर है वो शट डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ऐसा एक सेटिंग हमारी बायस में होता है, ठीक है। तभी आप आपने ऐसा फील किया होगा कि अगर लैपटॉप बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, तो लैपटॉप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, और कुछ देर बाद, मतलब 5 मिनट 10 मिनट बाद, वो लैपटॉप ऑटोमेटिकली मतलब जब हम उसे ऑन करें, तो वो ऑन हो जाता है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या होता है, जब यह टेम्परेचर, प्रोसेसर का टेम्परेचर या फिर लैपटॉप का जो टेम्परेचर है, वो जब डाउन हो जाए, नीचे हो जाए, तो ये वापस से लैपटॉप ऑन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो अभी ये Asus का जो लैपटॉप है, इसका एयर कूलिंग सिस्टम जो है वो चलता रहता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए हिट शॉट फिल्म्स। थैंक यू।